वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आपका मेरे नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आज भी बहुत ज़्यादा कोहरा है, तो देखते हैं आज क्या सीन होता है स्टेडियम का, क्योंकि ठंड भी बहुत है और हिम्मत तो नहीं हो रही है, हालांकि हम कुछ लेट भी हैं। चलिए स्टेडियम में चल के मिलते हैं आपसे। ये देखिए, आज जैसा कि गुरुवार है और पता नहीं गुरुवार ही है शायद, तो आज तो उस दिन से भी ज़्यादा कोहरा है। आज तो और भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है स्टेडियम में, पता नहीं कैसा हाल होगा, बहुत ज़्यादा फॉग है। फॉग या स्मॉग, क्योंकि फॉग तो नेचुरल होता ही नहीं है, क्योंकि ये डस्ट पार्टिकल और फॉग मिल के ही स्मॉग बनाते हैं, ये प्योर स्मॉग ही है। चलिए स्टेडियम का हाल देखते हैं। एक तो हम पहले से ही लेट हैं, ऊपर से क्रॉसिंग भी बंद है इस कोहरे वाली ठंडी में। पता नहीं आज का वॉक कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ट्रेन का भी कोई अता पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है। लेट है। सो आई ड्रॉप द आइडिया टू गो इन द ग्राउंड बिकॉज आई एम टू लेट राइट नाउ। It is almost 8 o'clock and this is my gym time. So I'm on the gym right now and will go to do my workout. घर से निकलने में लेट हो गया था तो, और जो रही सही कसर थी वो रेलवे क्रॉसिंग ने पूरी कर दी, इसलिए देखते हैं अब वर्कआउट के बाद ही मैं सोच रहा हूँ कि जिम के अंदर जाऊँ, वो ज़्यादा बेटर होगा। पता नहीं हो भी पाएगा कि नहीं, मुँह से आप ये भाप देख ही सकते हैं कितनी तेज़ी से निकल रहा है, बाहर कितनी ठंड है। मेरे पास फ़ोन में टेम्परेचर होता तो उसको मैं दिखा देता, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड है लिटरली, और जो फॉग है तो उस दिन से भी ज़्यादा है। चलिए जिम के अंदर चलते हैं और अपने वार्म अप को शुरू करते हैं, उसके बाद फिर अपने वर्कआउट को कम्प्लीट करेंगे। तो अभी अपना वार्म अप कम्प्लीट हो गया है और कंटिन्यू करते हैं अपने वर्कआउट को। तो फिलहाल अपना वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है और सॉरी, मैं अपना प्रोटीन शेक पी रहा हूँ। उसके बाद फिर, हालांकि आज ग्राउंड तो गया नहीं था तो प्लान है कि ग्राउंड चलें, लेकिन डिपेंड करता है कि बाहर का मौसम कैसा है, अगर ठीक रहेगा तभी जाऊंगा, अदरवाइज आज का प्लान तो फिर कैंसिल ही है, बाहर निकलने के बाद पता चलेगा। तो अभी जिम से निकल के आ गए हैं चाय पीने के लिए, और फिर चाय पी के सोच रहे हैं कि स्टेडियम चले ही चल के एटलीस्ट एक राउंड तो कंप्लीट कर लें, क्योंकि जो कंटिन्यूएशन है वो ना रुके मेरी, वो ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर आपको वहीं मिलते हैं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं स्टेडियम में, और आप देख सकते हैं कि स्टेडियम ऑलमोस्ट खाली है, कुछ गिने चुने ही लोग हैं और कुछ बच्चे अपना क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वॉक के लिए भी ठीक ही है। हालांकि वॉकिंग के लिए और लोग मिलते हैं तो थोड़ी मोटिवेशन और आती है वॉक करने के लिए। हालांकि अच्छी बात यह है कि धूप निकली हुई है, जिससे कि थोड़ी ठंडी कम लग रही है, हालाँकि बर्फीली हवाएँ चल रही हैं, ठंड की हवा बहुत ज़्यादा ठंडी है, जब हवा लग रही है शरीर में तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, चलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने अपना जैकेट निकाल दिया, लेकिन ठीक है, धूप की वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए वॉक को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आई जस्ट कंप्लीटेड माय फर्स्ट राउंड ऑफ दिस ग्राउंड, एंड द गुड थिंग इज देयर इज नो वेट सरफेस बिकॉज ऑफ सनशाइन, सो ऑल द ड्यू हैज़ बीन वेपराइज्ड, सो आई एम इजली वॉकिंग ऑन दिस सरफेस टूडे। सो आई एम थिंकिंग अबाउट टू टेक अ सेकेंड राउंड ऑफ दिस ग्राउंड, बट द इनर मी इज सेइंग जस्ट लीव इट, लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट, बट माई माइंड सेज टू डू आर नॉट। सो आई जस्ट रियलाइज आई शुड टेक अनदर राउंड ऑफ दिस ग्राउंड, so I'm going to take another round.
ओके, वी विल मीट यू सून। सो आई कम्प्लीटेड माई वॉक और क्रांति का अभी फ़ोन आया था, तो अभी चलते हैं उससे मिलने के लिए, उसके बाद मिलके फिर घर की तरफ निकलेंगे। ये हैं हमारे क्रांति जी, जिनसे मिलने के लिए मैं चला गया था दूसरे गेट पे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इधर भी इस गेट से आजकल आने जाने लगे हैं। तो हाँ, और ये देखिए हमारा निर्माणाधीन प्लांट सी, हालांकि निर्माणाधीन कहना तो इसको उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक यूनिट इसकी ऑलमोस्ट रेडी है, बस उद्घाटन होना बाकी है। क्यों क्रांति? नहीं, अभी उसको भी काफ़ी काम बाकी है। बॉर्डर पे काफ़ी काम चल रहा है, फिर भी मतलब ऑलमोस्ट रेडी कह ही सकते हैं, ऑलमोस्ट रेडी। हाँ, एक यूनिट तो पूरी रेडी है, एक लाइन चार्ज भी हो चुकी है। ये देख, क्योंकि पुरानी यूनिटें सब जर्जर हो चुकी थी, तो यहाँ पे हमारे अखिलेश यादव जी द्वारा ये प्लांट की सौगात दी गई थी ओबरा सोनभद्र को, जिसकी कुल लागत 24,000 करोड़ रुपए थी या है, आई डोंट नो, हालांकि है 24,000 करोड़ रुपए ही। तो जिसमें से एक यूनिट लगभग रेडी है और एक यूनिट पे काम चल रहा है। दोनों यूनिटें करीब 1320 मेगावाट ना, दोनों यूनिटें 1320 मेगावाट की हैं, तो जिसमें से एक 660 मेगावाट यूनिट लगभग बन के रेडी है, और देखिए कब तक ये लाइट अप होती है यूनिट। चलिए बाकी की बातें अब घर पे चल के होंगी, फिलहाल क्रांति जी से आए हैं, इनसे कुछ मुलाकात हो जाए। तो आपके कुछ विचार? प्लांट है, इससे लोग काफ़ी सहूलियत होगी, लोगों को रोज़गार मिला हुआ है। पता नहीं, यहाँ के लोगों को रोजगार मिला हुआ, कहीं और के लोगों को मिला हुआ है। सबको तो नहीं, कुछ लोगों को मिला। हाँ, कुछ लोग तो हैं ही। फिलहाल हम लोग गांधी मैदान के पास हैं और हमारे सामने ये BSNL का ऑफिस है, ये टावर देख सकते हैं, पता नहीं इसका नेटवर्क कहाँ तक जाता है। हाँ हाँ, यहाँ कभी कॉलोनियाँ हुआ करती थी, यहाँ पे कुछ लोगों के यादों का कॉलोनी हुआ करता था। बहुत सारे लोग जो ओबरा छोड़ चुके हैं या ओबरा में रह रहे हैं। हाँ, अभी क्रांति भाई का भी यही हुआ करता था, लेकिन अब ये एक इतिहास बन चुका है और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही प्लांट दिखाई देगा आपको। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, किस्मत अपनी इस बार भी साथ नहीं है। सुबह का टाइम भी एक क्रॉसिंग बंद था और अभी मैं घर आ रहा हूँ दोपहर में, तब भी ये बंद है। हालाँकि मैं भी आज घर लेट जा रहा हूँ, टाइम 12:45 हो चुके हैं। क्रांति भाई से मिलने में थोड़ा आज लेट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, धूप है ये अच्छी बात है, चल के अपना काम निपटा लेंगे और बाकी है। सो गाइज, इट इज 4:37 इन द इवनिंग एंड आई एम प्लानिंग टू गो इन द मार्केट, कुछ मेडिकल काम है तो वहाँ पे चलते हैं और काम को पूरा करते हैं। 2000 years later. सो फ्रेंड्स, मैं कल के ब्लॉग की एंडिंग करना भूल गया था, क्योंकि मैंने रात का खाना खाया और डायरेक्ट सोने चला गया, इसलिए मुझे ध्यान नहीं पड़ा, इसलिए मैं कल का ब्लॉग को जो है उसको मैं आज एंड कर रहा हूँ। अगर कल का ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और हमें मोटिवेशन देने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।